अस्सलाम वालेकुम बच्चों, जनाब बाबूभाई सोपारी वाला कन्या प्राथमिक शाला होम लर्निंग कक्षा 7 विषय हिंदी। विषयांग है हमारा आज पार्ट 9 समय सारणी। हाँ बच्चों, क्योंकि अब हमारी परीक्षाएं अगले वीक से होने वाली हैं, अगले सप्ताह से 2, 3 और 4 तारीख को, बराबर। इसलिए हम नए पाठ की शुरुआत कर देंगे। 1 से 8 पाठ हमारे पूर्ण हो चुके हैं, बराबर। अब हम नए 9वें पाठ में समय सारणी। समय सारणी के मतलब कि हम कौन सा कार्य कौन से समय करते हैं, उसका समय कौन सा है। जैसे आप लोग टीवी में देखते होंगे कि अगर 9 बजे का सीरियल है तो वो 9 बजे आएगा, 9:30 बजे का सीरियल है तो 9:30 बजे, 10 बजे का सीरियल 10 बजे। इसी तरह आप लोगों को बता दिया जाता है कि सीरियल या तो फिर आपके कार्टून या तो आपके कोई प्रोग्राम या कोई पिक्चर मतलब के फिल्म, वो सबके एक समय निश्चित होते हैं, तो उसके अनुसार आप उस समय पर निश्चित जो पिक्चर है, फिल्म है, कार्टून है, प्रोग्राम है, वो देख सकते हैं, न्यूज़ भी देख सकते हैं, बराबर। तो हम यहाँ पर ऐसे ही समय सारणी जानेंगे कि कितने वक्त पर, कितने समय पर, कितने बजे कौन सा कार्य होता है, वो कार्य निश्चित है, कौन से प्रोग्राम। जैसे कि हम यहाँ पर कितने प्रोग्राम भी बताएंगे आप लोगों को कि आप लोगों को टीवी में कौन सा प्रोग्राम अच्छा लगता है, आप कितने बजे देखते हो। फिर आपको यहाँ पर मैं नए नए प्रोग्राम के बारे में बताऊंगी कि आपको कैसे उस कोष्टक में लिखना है। चलिए हम पाठ की शुरुआत करते हैं बच्चों। मैं सौदेपति कार्य से ही आपको पाठ की समझूती दे दूंगी, ठीक है। हम सौदेपति कार्य में देखेंगे कि हमारा पहला प्रश्न है कि बच्चों आप रोज़ सुबह जागने से लेकर सोने तक क्या क्या प्रवृत्ति करते हैं, लिखिए। बच्चों यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से वक्त समय लिखा है और प्रवृत्तियाँ भी लिखी है। जैसे कि 6 बजे उठ जाते हो तो आपका पहला काम होता है दांत साफ करना, नित्यक्रम और नहाना धोना, बराबर ने। उठने के साथ हमारा क्या काम होता है, पहला नित्यक्रम, दांत साफ करना और नहाना धोना, बराबर। हमारा ये कार्य पूरा होता है तो हम 7:30 बजे तक चाय नाश्ता कर लेते हैं। 7:30 बजे हम क्या करते हैं, चाय नाश्ता। फिर 8 बजे हम प्रार्थना करके पढ़ाई करने बैठना, मतलब कि पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। कितने बजे, 8 बजे। 10 बजे क्या करते हैं, हम भोजन करके स्कूल जाना। 10 बजे भोजन करने बैठते हैं और स्कूल के लिए तैयारी कर लेते हैं, स्कूल के लिए निकल जाते हैं। 11 से 5 बजे तक स्कूल में पढ़ाई करना। 5:30 बजे घर लौटना, नाश्ता करना। बच्चों आप लोगों को ध्यान आ रहा होगा कि यह तो आपका ही है, आपका ही टाइम, अपने बोलते हैं टाइम टेबल, वैसा ही समझो कि यह आपका ही टाइम टेबल है, बराबर। इससे आप लोगों को पता चलेगा कि आप भी शायद इसी वक्त पर, इसी समय पर अपना अपना कार्य करते हैं। 6 से 7 बजे तक खेलना, बराबर, 1 कलाक खेलने के लिए। 7:30 बजे भोजन। 8 से 9 बजे तक गृह कार्य और 9 से 10 बजे तक मनोरंजन तथा शयन। मनोरंजन यानी कि टीवी प्रोग्राम कोई वगैरह, जो भी आप देखते हो आपके घर में, जो भी व्यवस्था हो आप वो कार्य करते हो, और शयन यानी कि सोना, बराबर। ऐसे ही यहाँ पर दूसरा कोष्टक भी है कि आपके घर से कौन कितने बजे और कहाँ जाते हैं, उसकी समय सारणी बनाइए। समय सारणी बनाइए, हमारे घर में कौन कौन लोग हैं, कौन कितने बजे और कहाँ जाता है, वो हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे कि नाम, दादी जी का नाम है, दादाजी है, छोटे भाई बने तुम्हारे घर में, बड़ा भाई है, पिताजी, माताजी और दादी जी। अब वो कौन से वक्त पर कौन सा काम करते हैं, कहाँ जाते हैं, मतलब उनका कहाँ जाना है वो लिखना है हमें। जैसे कि दादाजी तो आप लोगों को पता है कि सवेरे जल्दी उठ जाते हैं, तो वो तो चाय नाश्ता करके कहाँ चलने जाते हैं, सैर करने। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 6:30 बजे सैर करने, बराबर, कहाँ जाते हैं, सैर करने। फिर छोटे भाई बहन, आप लोगों को पता है ना कि छोटे भाई बहन हमारे, उनकी सुबह की स्कूल होती है और हमारी दोपहर की, तो वैसे ही छोटे भाई बहन के स्कूल का वक्त है 7:00 बजे, तो वो कहाँ जाते हैं, स्कूल। अब बड़ा भाई है तो वो कॉलेज में जाएगा, कितने बजे जाएगा, 9:30 बजे, कितने बजे, 9:30 बजे। पिताजी 10 बजे दुकान, बराबर, दुकान या तो फिर ऑफिस में जाएंगे। दादी जी कितने बजे मंदिर जाएंगे, 10:30 बजे, कितने बजे, 10:30 बजे। माता जी 5:00 बजे कहाँ जाएंगी, बाजार। देखो बच्चों मैंने यहाँ पर काउंस में लिखा है शाम, कितने बजे, 5:00 बजे, कहाँ जाएंगे, बाजार। बच्चों आप लोगों यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक बस डिपो का टाइम टेबल लिखा है, समय सारणी बताई गई है,
प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 पर समय के अनुसार कौन सी कहां पर जाने वाली बसें आने वाली है। सूरत से रायर रापर 5:30 बजे बस जाएगी, बराबर। ऐसे ही यहां पर सभी बस का आने का टाइम लिखा गया है। जैसे कि यहां पर बच्चों नीचे देखिए कि काले रंग से लिखे रूट का लोकल बस है, काले रंग से लिखा हुआ है वो लोकल बस का क्या है, लोकल बस का रूट है, बराबर। और जो भूरे रंग से लिखा हुआ रूट है वो किसका है, एक्सप्रेस बस का, किसका है, एक्सप्रेस बस का, बराबर। तो हम देखेंगे कि यह जो ब्लू रंग से लिखा हुआ एक्सप्रेस बस और काले रंग से लोकल बस, बच्चों आप लोगों को पता है लोकल बसें कैसी होती है, वो जगह जगह पर अपने बस डिपो पर रुकती है और वहाँ से कुछ लोगों को छोड़ती है और कुछ लोगों को लेती है। एक्सप्रेस बस उसका रुकने का जो ठहरने का बस डिपो होता है वो कम होता है, बराबर, कम स्टेशन पर रुकती है और फटाफट लोगों को उनके निर्धारित स्थल पर पहुंचा देती है। बच्चों अब हम सामने इसी के अनुसार प्रश्न के उत्तर देंगे। देखिए बच्चों प्रश्न 3, निर्देशित समय सारणी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है कि काले रंग से लिखित रूट का क्या मतलब है। बच्चों आप लोगों ने देखा ना कि काले रंग से जो रूट लिखे गए हैं उनका सूचित वो क्या करता है, लोकल बस सूचित करता है। अब भूरे रंग से लिखित रूट का क्या मतलब है, तो वो कौन सी बस का सूचित करता है, निर्देश करता है, एक्सप्रेस बस का, कौन से बस का, एक्सप्रेस बस का। अब देखो तीसरा प्रश्न कि अब बताइए प्लेटफॉर्म नंबर दो से जाने वाले अंबाजी माता का मढ़ बस लोकल बस लोकल है या एक्सप्रेस, बराबर। प्लेटफॉर्म नंबर पर हमें देखना है कि 2 पर अंबाजी से आने वाली जो बस है, जो बस है अंबाजी माता का गढ़, वो बस कैसी है, लोकल या एक्सप्रेस। चलो बच्चों हम देखते हैं यहाँ पर कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अंबाजी माता का मढ़ ये बस ब्लू रूट भूरे रंग के रूट से लिखी गई है, इसका रंग भूरा है, तो ये कौन सी बस है, एक्सप्रेस बस। कौन सी, एक्सप्रेस बस। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर से जाने वाली अंबाजी माता का मठ बस कैसी है, एक्सप्रेस बस है। चौथा प्रश्न, प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जाने वाली वलसाड थराद बस समय सारणी के अनुसार 23 बजे जाएगी, 23 बजे यहाँ पर 11 बजे, तब आपकी घड़ी के अनुसार क्या समय होगा। तो चलो बच्चों मैंने आप लोगों को बोल दिया है 23 बजे यानी कि 11 बजे, तो हम जवाब लिखेंगे यहाँ पर कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जाने वाली वलसाड थराद बस समय सारणी के अनुसार 23 बजे जाएगी, तब आपकी घड़ी यानी कि हमारी घड़ी में रात के 11 बजे होंगे। प्रश्न 5, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर कहाँ कहाँ की बस लगेगी। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर मोड़ासा इडर विसनगर महसाणा और अहमदाबाद जाने वाली बसें लगेगी। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर देख लो बच्चों मोड़ासा इडर बराबर फिर महसाणा सॉरी विसनगर अहमदाबाद और महसाणा की जो बसें हैं वो लगेंगी, बराबर। अब देखते हैं 6, 6 प्रश्न, एक्स्ट्रा बसें कब लगेंगी। तो एक्स्ट्रा बसें कब लगेंगी बच्चों, हर पूरम के दिन, ये लिखा है यहाँ पर एक्स्ट्रा बस, हर पूरम के लिए एक्स्ट्रा बस राधनपुर चोटीला 7 बजे और 6 बजे, 6 बजे और 7 बजे, बराबर। हम यहाँ पर उत्तर लिखेंगे कि एक्स्ट्रा बसें हर पूनम के दिन सुबह 6 बजे और 7 बजे जाएंगी। अब देखेंगे हम प्रश्न 4, आप टेलीविज़न पर कौन कौन से कार्यक्रम देखते हैं उसकी समय सारणी बनाइए। बच्चों यहाँ पर न्यूज़ है, पिक्चर है और इन सब का जो कार्यक्रम है उसके अनुसार मैंने यहाँ पर समय सारणी बनाई है। आप लोग देखिए कि कार्यक्रम का नाम है न्यूज़ नाउ, मतलब न्यूज़ का है, कितने बजे आता है, 9 बजे। कौन सा चैनल का नाम है, टाइम्स नाउ, चैनल का नाम क्या है, टाइम्स नाउ। अब इसके आगे सॉलिड हिट्स 11 बजे, बिफोर यू ये कार्यक्रम है और बिफोर यू चैनल पे आता है 11 बजे। वाइल्ड डिस्कवरी, डिस्कवरी चैनल आप लोगों को पता है ना, वो कितने बजे आता है, शाम 6 बजे डिस्कवरी चैनल पर। मेरी जंग वन मैन आर्मी यह पिक्चर का नाम है, फिल्म का नाम है, 8 बजे रात के कब आएगी, एस मैक्स पर, मतलब सेट मैक्स पर। आवाज़ दे कहाँ है, 7:04 बिफोर यू
रात इस चैनल पर आएगी विद्या दर्शन 10 बजे सुबह DD11 गुजराती चैनल, बराबर नहीं, DD11 गुजराती चैनल 10 बजे विद्या दर्शन देखते हैं। अब देखेंगे हम के प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर संक्षेप में लिखिए, मतलब आप लोगों को यहाँ पर अपना अपने हिसाब से लिखना है, अपना बताना है कि आपको TV का कौन सा प्रोग्राम सबसे ज़्यादा पसंद है, क्यों। तो मुझे सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोग्राम पसंद है कि मुझे सोनी चैनल पर आने वाला TV का क्राइम पेट्रोल कार्यक्रम बहुत पसंद है, क्योंकि इस कार्यक्रम में समाज में बनने वाली अपराध की घटनाओं का वास्तविक और रोचक निरूपण किया जाता है। यह कार्यक्रम हमें कई तरह से सावधानी रखने की शिक्षा भी देता है। बच्चों, आप लोगों के लिए तो कार्यक्रम कभी कभी उपयोगी होता है, क्योंकि इसमें ऐसे बताए जाते हैं आप लोगों के बारे में, तो आप यह कार्यक्रम देख सकते हैं। लेकिन यह कार्यक्रम हर बार आप लोगों के लिए नहीं होता, इस कार्यक्रम से हमें सावधानी रखने की शिक्षा भी दी जाती है। समाज में बनने वाली जो अपराध की घटनाएँ होती हैं, तो वास्तविक रूप से जो घटनाएँ होती है वो दिखाई जाती है। इसमें जो पुलिस वाले हैं, जो वो है दरोगा जी, वो लोग कैसे कैसे कार्य करते हैं, मतलब किस तरह से जो दोषी है उसे पकड़ते हैं, इसी तरह हमें इस कार्यक्रम में सावधानी रखने की शिक्षा भी दी जाती है। अब आगे देखिए कि प्रश्न दूसरा, आप TV पर शिक्षा संबंधी कौन कौन से कार्यक्रम देखते हैं। तो मैं सुबह में 10 से 10:30 बजे तक DD11 पर गुजराती पर विद्या दर्शन कार्यक्रम देखती हूँ। इससे अतिरिक्त स्कूल में 2:30 से 5 बजे तक विसाग पर अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के पाठ देखती हूँ, बराबर। ये कार्यक्रम सुबह में 10 से 10:30 बजे कौन सा, DD11 पर गुजराती पर विद्या दर्शन कार्यक्रम, और स्कूल में कौन सा कार्यक्रम होते, 2:30 से 5 बजे तक अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के विसाग चैनल पर यह कार्यक्रम देखे जाते हैं। शिक्षा संबंधी कार्यक्रम है ये सब। तीसरा, आप अपने TV पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का मेनू कैसे देखेंगे। तो आप देखते हैं ना बच्चों कि TV पर प्रसारित कार्यक्रम कहाँ पर दिया जाता है, तो TV पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का मेनू देखने के लिए पहले मैं TV चैनल देखूंगी, फिर उनके समय के अनुसार कार्यक्रम का नाम देखूंगी। TV चैनल देखेंगे कि TV चैनल पर यह रोचक है कार्यक्रम, तो इसका समय कब है, उसके बाद हम उसके अनुसार कार्यक्रम देखेंगे। बच्चों, 1 से लेकर 5 प्रश्नों की समझौती मैंने आप लोगों को दे दी है। यह सभी प्रश्न आप लोगों को अपने स्वाध्याय पोथी में लिखना है अच्छे अक्षर से और एक बार। थैंक यू।